एक्चुअली सर बाहर असी घर बैठे से, मैं ऑफिस तो अपने आया जो मैं प्राइवेट जॉब करना है, और मैच का करके रश होने करके मैं घंटा पहले छुट्टी लेके अपने घर आ गया। घर बैठा मैं चाह पी रहा, मेरा कजन ने मेरे को ही चाह पी के बाहर गया सिर्फ 5 मिनट पहला, और 5 मिनट बाद रोला पड़ना शुरू हो। जो मैं गया तो कुछ नौजवान जिन्होंने ब्लैक टी शर्ट पाई हुई थी, 2 या 3 हो गए, और वो मेरे कजन हथो पाई हो रहे थे। हथो पाई मैं वो ब्लैक शर्ट में, तुम हथो पाई क्यों हो रहे हो? और मैंने कहना कहना पास हो जा तू मेरी शर्ट फड़ी है भी मैं मुलाजम है। मैं डर गया जी, मैं हो सकता शायद मुलाजम हो, मैं पास हो गया जी। इन्हें उन्होंने मेरे कजन वर्दी पाई सी, वर्दी नहीं पाई सी, सिविल दे विच सी सारी ना, ओदे ना उन्हां विचों बाद विच जो वो आया जी एक ASI शायद उन्होंने नाम जीवन सिंह जी है जी, और एक नाल उन्होंने मुलाजम होर सी, बाकी ये 3 या 4 जने सी वो सिविल वर्दी दे विच सी, जिन्हां दी की वीडियो मेरे कोल हैगी है, मेरे कोल वीडियो है, मैं तुहानू शेयर करना। थाने जाके कुटिया भी सी? मैं दस दूँ सारी गल, जदों वह आपकी प्राइवेट गड्डी दे आया, सरकारी गड्डी कोई नहीं सी, गड्डी का नंबर सी PB02CS5115, एक क्विड गड्डी सी जिदा मैनू नंबर नहीं याद ना मैनू पता जी। वो मेरे कजन नू दोनों कजनों नू अगवा करके पता नहीं कितने लै गए। किन्ने के बंदे सी वो? बंदे सी जी 2 गड्डियां दे विच घट्टो घट्ट 8-7-8 बंदे होणगे जी। अच्छा, मैं इस करके बच गया भी शायद गड्डी दे विच जगह नहीं सी, अगर जगह होंदी तो शायद वो मैनू भी नाल लै जांदे जी। मैं मेरे दोस्त आई वो पंजाब पुलिस का, उन्होंने मैं दसी इदा करके, वो कहे थानू थाना कि पैंता, मैं ही 8 फेस क्या उन्होंने मुंडिया 8 फेस ही लैके जाएंगे अगर कोई पुलिस वाले सके नाल। 8 फेस जो मैं थाने के अगर पहुँचा गेट उन्होंने बंद कर रखा से, और मैनू जिमें बंद कुटद आवाज़ा बहर रडाट पूरा सुन रहा है, पूरा सुन रहा है। अद्धे घंटे बाद उन्होंने गेट खोलिया जी, गेट खोलने सार मैं और मेरे नाल मुंडा पंजाब पुलिस का मुलाजम से असी अंदर गए। उन्होंने सब तो पहला मैनू फड़िया, कहते जी ये भी नाल सी, इनू भी पूरी तसली करवानी है, ये भी पूरी तसली करवानी है, इनू भी दस दें भी की किवें करी दा हुंदा। उस तो बाद शायद उन्होंने मेरा कुटमार कोई नहीं करी, हो सकता भी वो जो मुलाजम सीगा नाल उहदी कोई वो शर्म मन गई हुण। उस तो मगरों वो सानू अंदर लै गया अपनी कार्रवाई जो उन्होंने करनी सी करी, शायद हो सकता भी जिहड़े मुंडे उन्होंने कुटिया अंदर डाट पा रहा सी उन्होंने ज़्यादा कुटता, उन्होंने आभास ही हो गया सी बेसी उन्होंने ज़्यादा कुटमार करती है भी इन्हों किमें ना किमें डरा धमका के राजीनामा लिखवा लिया। उन्होंने साढ़े तो राजीनामा लिखवा लिया, सानू पढ़ नहीं दिता, उन्हें सिर्फ मैंने एक लफ्ज़ राजीनामा उपर जो लिखा सी मैं वह पढ़िया और नाम पढ़िया, साइन साढ़े तो करवा ले जी। जिहड़े मुंडे उन्होंने कुटिया अंदर डाट पा रहा सी उन्होंने ज़्यादा कुटता, उन्होंने आभास ही हो गया सी बेसी उन्होंने ज़्यादा कुटमार करती है भी इन्हों किमें ना किमें डरा धमका के राजीनामा लिखवा लिए। उन्होंने साढ़े तो राजीनामा लिखवा लिया, सानू पढ़ नहीं दिता, उन्हें सिर्फ मैंने एक लफ्ज़ राजीनामा उपर जो लिखा सी मैं वह पढ़िया और नाम पढ़िया, साइन साढ़े तो करवा ले जी। उन्होंने सानू इत तक भी धमकी दी भी अगर तुम कोई कार्रवाई करोगे तो असी ऐसा परचा पावे, सारी उम्र तुम निकल नहीं सकते, असी पुलिस वाली वर्दी फाड़ी है ये भी असी इल्जाम पा देंगे, फीम का भी पा देंगे, चिट्टे का भी पा देंगे। ठीक है जी, इस तो लिखाया भी कुछ साढ़े तो उन्होंने आप ही लिखा जी, ASI जीवन सिंह जी ने लिखा खाली पेपर से भी साइन। हाँ जी, खाली पेपर से भी साइन कराया, एक 2 पेपर ने साढ़े तो साइन कराया जी, एक मुंडे तो जिसे तो पहले फड़ के लगे जी ने कुटमार करी है, उस तो सिंगल पेज से करवाया जी कल, एक पेपर तो साढ़े 3-4 ने साइन करवाया जी, ब्लैंक पेपर से उन्होंने साढ़े तो साइन करवाए मेरे भी साढ़े 3 जी। और जदों वो नाम लिख रहे थे सामने पूछा उन्होंने भी थोड़ी कास्ट की है, असं दस अभी मजहबी सिख जाति तो बिलोंग करते हैं जी, अगों उन्होंने लव से भी तुम चूड़े हो तो चूड़े रहोगे, थोड़े पुरखा ने शहादत करनी, तुम शहादत वाला काम करो भाई, चूड़े का काम ना करो। और फिर भी असी चलो मिनता तरले करके असी डाक उपकर के नाल उन्होंने मिनतरला करके असी आ गए जी, उन्होंने सानू छड़ता, उन्होंने सानू सवेरे 9 बजे दोबारा बुलाया, अगले दिन 9 बजे असी गए, सानू कोई भी नहीं मिले, एक सिंगल मुलाजम से जी, उन्हें सानू कहता भी 12-1 बजे तक आएंगे तुम उदो आ जाए, इन्हें असं डर गए कोई तुहाडे वर्गा पलामा साथी सीगा साडा, उस उन्हें देखा भी ये हालात आ, उन्होंने सानू ये कहा भी तुम घट्टो घट्ट अगर नहीं कोई कार्रवाई करनी तो अपना मैडिकल तो करवा लो भी थोड़े को सट फेट तो नहीं लगी। हुण बाद विच जिहड़ा मेरा दोस्त मुलाजम सी उन्हें फोन करिया, उन्हूं ASI जीवन सिंह ये कहता जी इन्हां मुंडियां नूं, वो ड्यूटी ते सी, वो कहता जी मैं ड्यूटी ते हाँ तुसीं किवें करोगे, वो कहता जी तुसीं इन्हां मुंडियां नूं भेज दो
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚਾਰ ਫੋਨ ਆ ਜੀ, ਚਾਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁਟੇਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੂੰਗਾ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਘਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MHC ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਰ, ASI ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ। ASI ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ASI ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, 132 ਨੰਬਰ, ਲੈਟਰ 22/9/22, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ 8 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।